हाई लर्नर्सर्स आई एम and एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सट्रीम वैल्यूज और यू कैन से द आउटलाइट सो हाउ डू दे अफेक्ट मीन एंड मीडियन सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं कैसे मीन को अफेक्ट करती हैं मीडियन उससे अफेक्ट होता है या नहीं होता है और अगर आप यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो बहुत बार इस चीज़ को पूछा गया है इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो आई जस्ट थोट लेट्स मेक अ क्विक वीडियो शॉर्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक एड्रेसिंग दिस इशू ओनली तो ये टॉपिक आपको इस वीडियो में समझ जाएगा। आ जाएगा तो सबसे पहले आ, बात कर लेते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज होती क्या हैं या आउटलायर्स आपके होते क्या हैं सो बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपकी आ, आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डनरी वैल्यूज़ होती हैं इधर ऑन द लोअर साइड ऑफ योर डेटा सेट और ऑन द हायर साइड ऑफ योर डेटा सेट तो ये वैल्यूज यूजली कंसिस्टेंट नहीं होती हैं आपकी बाकी वैल्यूज़ से जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ सो लेट जस्ट अज्यूम दिस डेटा सेट बहुत सिंपल एक डेटा सेट आपको दे रही हूँ सो सपोज दिस इज योर डेटा सेट जिसमें कि पांच वैल्यूज आपको गिवन है ठीक है ये एक बहुत ही नॉर्मल कर्व है बहुत कंसिस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये सब इसमें कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स आपका नहीं है तो अगर आप इसका मीन फाइंड आउट करें तो यहाँ ये यह आ जाएगा आपका टोटल यहाँ फिफ्टीन है तो अगर आप फाइव से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी योर मीन थ्री विल बी विल बी ओर मीन नाव लेट्स एड द एक्सट्रीम वैल्यूज और द आउट लायर्स टू दिस डेटा सेट तो अब अगर मैं इस फाइव को बना दूँ फाइव जीरो फिफ्टी ठीक है तो एक नया डेटा सेट आपका यहाँ पर आ जाएगा वन टू थ्री फोर एंड फिफ्टी तो यहाँ जो ये यह फिफ्टी है ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है ये आप कह सकते हैं कि एक आउट लायर है जो कि हायर एंड पे डेटा को स्क्यू कर रहा है ठीक है तो बाकी वैल्यूज आपकी सेम है टोटल वैल्यूज भी आपकी फाइव हैं तो अब अगर आप इसका मीन निकालेंगे तो यहाँ आपका टोटल हो जाएगा सिक्सटी एंड ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर विद फाइव यू गेट द ट्वेल्व एज योर मीन ठीक है तो अब आपका मीन जो है वो थ्री से क्या हो गया है ट्वेल्व हो गया है तो नाउ इफ यू लुक एट दिस डेटा सेट इफ़ यू लुक एट दिज नंबर्स यू रियली थिंक ऑल ऑफ दिस दिज वैल्यूज़ वन टू थ्री फोर दिज एक्चुअली आर दीज वैल्यूज अराउंड योर सेंट्रल वैल्यू और योर मीन ट्वेल्व विच इज़ ट्वेल्व नो 12 is a very large number as compared to 1, 2, 3, and 4. It actually, so the mean, the average value does not uh, represent the data set or the data values at all. ठीक है तो वहां पर हम क्या कहेंगे दिस मीन इज अ बैड एवरेज सो दिस इज अ रोंग सेंट्रल वैल्यू ये सेंट्रल वैल्यू आपकी जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रही है और ये मीन को किसने अफेक्ट किया है यहां पर एक्सट्रीम वैल्यू ने अफेक्ट किया तो ये एक्सट्रीम वैल्यू जैसे अगर आपकी हायर एंड पे थी तो आपका मीन जो है वो हायर साइड पर शिफ्ट हो गया थ्री से ट्वेल्व हो गया अगर आप कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज को एक से ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज को भी अगर लोअर एंड पे शिफ्ट एड uh, कर देंगे तो वहां आपका मीन जो है वो लोअर साइड की साइड शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो दिस इज हाउ एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स अफेक्ट यूर मीन नाउ कमिंग टू द मीडियम तो मीडियम की अगर आप बात करें सो एज यू नो मीडियम इज योर य मोस्ट वैल्यू तो अगर आप इन पांचों में से मीडियम को निकालेंगे तो थर्ड पोजिशन आइटम थर्ड आइटम विल बी योर मीडियम ठीक है तो वहाँ पर आपका मीडियम क्या है थ्री ओके okay. एंड नाउ इन द चेंज डेटा सेट जहाँ पर हमने एक्सट्रीम वैल्यू को ऐड किया है तो वहाँ पर भी आपके टोटल डेटा आइटम्स पाँच ही हैं तो अगर आप यहाँ पर भी मीडियम को निकालेंगे तो थर्ड आइटम विल बी और मीडियम विच इज अगैन थ्री तो यहाँ पर भी जो है वो मीडियन आपका थ्री ही है तो इससे आपको क्या पता चला यू यू मे कंक्लूड दैट एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स डज नॉट मच अफेक्ट द मीडियम बट दे डो अफेक्ट द मीन इन अ लार्ज अमाउंट ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर दो कंक्लूजन आ जाते हैं कि मीन आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है और मीडियम आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है इफ एक्सट्रीम वैल्यूज एंड आउटलायर्स आर एडिड टू द डेटा सेट सो आई होप दिस टॉपिक और दिस सिंपल क्वेश्चन इज बिंग क्लियर टू यू Uh, so if you found this video informative then uh, please like this video and you may share this video with your friends uh, and yes you may subscribe my channel if you are looking for more of such videos on research uh, phd statistics or uh, the ugc net related content uh, thank you for watching and uh, until my next video keep learning